अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एनर्जीन किब्जई और हमारे सेंटेंस करेक्शन का आज हम लेक्चर नंबर 6 ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सेंटेंसेस में किस तरह की करेक्शंस आ सकती हैं। तो एक नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, इस नेक्स्ट रूल को हम नाम दे देते हैं ऑफ वाला रूल। अब ऑफ वाले रूल में आपने क्या करना है, पहले हम रूल समझते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस एरर्स को डिस्कस करेंगे। देखें, जब हम बात करते हैं ऑफ की, तो आप यूं समझ लें कि एक दुनिया ऑफ से पहले की है और एक ऑफ के बाद की है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसके साथ वर्ब जब यूज करना है तो आपने ऑफ से पहले वाले पोर्शन को कंसीडर करना है या ऑफ के बाद वाले पोर्शन को आपने कंसीडर करना है। तो इसमें आप रूल माइंड में रखें कि आपने ऑफ से पहले वाले पोर्शन को कंसीडर करके उसके बाद यहां पर डिसाइड करना है कि आपने वर्ब कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स में आपको बताता हूं। देखिए, द फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन इज आर आउटसाइड। अब अगर आप देखें, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम देखते हैं कि हमारे पास एरियाज कौन कौन से हैं। अब देखें, ये हमारे पास आया ऑफ। ठीक है, ऑफ से पहले वाला जो पोर्शन है वहां पर लिखा है द फादर, ऑफ के बाद वाला जो पोर्शन है वहां पर लिखा है 6 चिल्ड्रन। अब हमने रूल में डिस्कस किया कि जब आप वर्ब डिसाइड करेंगे, आपने देखना है कि ऑफ से पहले वाले पोर्शन में क्या है। अब ऑफ से पहले वाले पोर्शन में आपको मिलेगा एक सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, द फादर ये सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है इट मींस हमारे पास यहां पर इज विल बी द करेक्ट आंसर, आर विल बी द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आंसर होगा इज। क्यों, हमने देखना है कि ऑफ से पहले सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने ऑफ के बाद वाले को नहीं देखना। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ द ऑफिसर इज आर प्लेइंग, राइट, द चिल्ड्रन ऑफ द ऑफिसर इज आर प्लेइंग। अब हमने डिसाइड करना है कि हम यहां पर इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, और रूल हमें क्या बता रहा है कि हमने ऑफ से पहले वाले को कंसीडर करना है। ये हमारे पास आया ऑफ, ये हमारे पास आया द चिल्ड्रन, और ये हमारे पास आया द ऑफिसर। ठीक है, तो अब ऑफ से पहले अगर आप देख लें, यहां पर लिखा हुआ है प्लूरल, तो इसे देखते हुए हमारे पास आर विल बी द करेक्ट आंसर, इज विल बी द इनकरेक्ट आंसर, राइट। सो इट मींस
कि हमने ऑफ से पहले वाले को देखा. चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हमने यहां पर और आर को हमने फाइनलाइज किया, जबकि इस जो है वो यहां पर एक इनकरेक्ट आपके पास आंसर होगा. तो ये एक सिंपल सा रूल है जो आपने माइंड में रखना है कि जब ऑफ आ रहा है, एक ऑफ से पहले वाला पोर्शन है, एक ऑफ के बाद वाला पोर्शन है. आपने ऑफ से पहले वाले पोर्शन को देखकर डिसाइड करना है कि वर्ब आपने कौन सा यूज करना है. ठीक है, अब देखें एक और सेंटेंस में लिखता हूं. वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन इज आर प्रोमिनेंट. राइट, अब अगर आप देखें अगेन हमारे पास ऑफ है. ठीक है, ऑफ से पहले वाले पोर्शन में आपके पास है वेरियस कंसिक्वेंसेस जो प्लूरल है. अच्छा, ऑफ के बाद वाले पोर्शन में हमारे पास है द डिसीजन जो सिंगुलर है. रूल क्या था, आपने ऑफ से पहले वाले को देखना है. अब ऑफ से पहले चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हमारे पास इज इनकरेक्ट आंसर होगा, जबकि आर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ये एक इस तरह की करेक्शन है जो एग्जामिनर डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछता है. वो वर्डिंग्स चेंज कर देता है, लेकिन आपको रूल माइंड में रखना है. और रूल क्या है, ऑफ से पहले वाले पोर्शन को देखकर आपने डिसाइड करना है कि आपने वर्ब कौन सा यूज करना है. ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 सेंटेंस करेक्शंस का. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेक्शन की तरफ आएंगे. आपके माइंड में अगर कोई और ऐसा सेंटेंस है जिसकी आप करेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि ना सिर्फ करेक्शन हो बल्कि उसके साथ साथ उसका रूल, उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस लिख दें. इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में उसे करेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.